हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख साबर विद्या में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा है आप सब लोग भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अक्सर जो मेरे पास जो कॉल आते हैं वो आता है, या जो अधिकतर लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में, वो है वशीकरण के प्रयोग के बारे में, वशीकरण मंत्र के बारे में, वशीकरण टोटके के बारे में, और शत्रु का किस तरह मंत्रों के द्वारा सामना किया जाए, या शत्रु से किस प्रकार निजात पाया जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं शत्रु से कैसे निजात पाया जाए, शत्रु को कैसे सबक सिखाया जाए, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं इस पूरे जानकारी इसके बारे में, तो आप इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है यानी घंटी है उसको दबा दें, और घंटी को दबाने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी आप क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं आपको शत्रु दमन के उपाय और टोटके सहित मंत्र सहित आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात हमेशा मैं बोलता हूँ, चाहे वशीकरण के बारे में हो तब, या शत्रु दमन के जो मंत्र और टोटके हैं उसके बारे में हो तब, वशीकरण का प्रयोग हमेशा हितार्थ करना चाहिए। सामने वाला का भी हित होना चाहिए, आपका भी हित होना चाहिए। वशीकरण का प्रयोग किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, बदला लेने के लिए कदापि नहीं करना चाहिए। वैसे ही शत्रु दमन के बारे में है कि इसका उपयोग छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं करना चाहिए, छोटी मोटी मत भिन्नता के लिए नहीं करनी चाहिए। जब आपको लगे कि इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताते ही रहता हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा, यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल भी उसका प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपका पक्ष सही है, आपके जो पक्ष है आप सही हैं और सामने वाला गलत है, तो आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको उसका परिणाम गलत नहीं मिलेगा। क्योंकि आप भुक्त भोगी हैं, उसका फल जानते ही हैं कि उसका क्या क्या तकलीफ होती है, उसको आप जानते हैं। इसलिए आपको उसका बुरा परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सच के रास्ते पर हैं और सामने वाला झूठ के रास्ते पर है। ठीक है, तो इतना ख्याल रखें आप। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ। दुश्मन को इस प्रयोग को करने से दुश्मन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दुश्मन शत्रु जो होते हैं, जो अधिकतर हमारा सामना होता है, या तो कोई बहुत पैसे वाला होता है तो अपने पैसे के दम पे वो सामने वाले को परेशान करते रहता है, विभिन्न प्रकार से परिवार को परेशान करते रहता है, बहुत गलत तरीके से परेशानी होती रहती है इंसान को। या तो फिर कोई बहुत पावरफुल आदमी है, कोई पॉलिटिकल रिसोर्सेज वाला आदमी है, बहुत ऊंचे तक पहुंच है, तो उसी के बल पे वो डराने धमकाने का काम करता है लोगों को। ठीक है, तो ऐसे लोगों से निजात पानी है। या तो कुछ लोग होते हैं जो बलशाली होते हैं, ताकत वाले होते हैं, तो अपनी ताकत के बल पे ही लोगों को डराने का काम करते हैं, और हर प्रकार से लोगों को जो आगे बढ़ते हैं उसको काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। तो इनको कैसे सबक सिखाए? जब मैं बता रहा हूँ आप इस प्रयोग को करेंगे तो सामने वाले की सारी शक्ति छिड़ा हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी उसकी शक्ति, और जिसके दम पे वो गरज रहा था वो सारी, जो जिसके दम पे गरज रहा था वो सारी चीज़ें उसका बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। और जब जिसके बल पे गरज रहा था वो तहस नहस हो गया, तो उसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। ये इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लाभ है। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ आपको करना क्या है। दोस्तों, ये जो विधान है, प्रयोग है, ये सिर्फ 3 दिन का है। इस प्रयोग को आप तो शनिवार को शुरुआत कर सकते हैं, या तो रविवार से शुरुआत कर सकते हैं, 3 दिन का है। तो करना क्या है आपको, जो भी शत्रु है उसके घर से आपको एक बार दाना, जिसको बोरी भी बोलते हैं, उसको आपको शत्रु के घर से एक बोरी
लानी है, किसी भी तरीके से आपको जुगाड़ करनी है शत्रु के घर का। उस बारदाने को लाकर आप अपने घर में ले आए, और यदि शनिवार से शुरू करते हैं तो शनिवार, रविवार, सोमवार तक चलेगा। इस क्रिया को आपको 2 से 2:30 बजे के बीच करनी है, क्योंकि इस तरह की क्रियाएं हमेशा या तो 2:30-3 बजे के बीच की जाती है, नहीं तो फिर 12 बजे रात के उस पार की जाती है। ठीक है, तो 12 बजे को आपको कहीं पर भी आप बैठ जाए, एकांत जगह में अपने घर में बैठ सकते हैं जहाँ पे कोई आपको डिस्टरबेंस करने वाला ना हो, तो वहाँ पर बारदाने को बिछा दें। बिछाने के बाद उसके ऊपर बैठ जाए, और बैठने के बाद आपको अभी जो मंत्र बताऊंगा इसको आपको 51 बार जाप करने हैं। जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गरुड़ाय जपाय स्वाहा। ठीक है, इसी मंत्र को आपको 51 बार जाप करनी है, और जाप करने के बाद उस बारदाने पर जिस पर आप बैठे हुए हैं वहाँ से हट जाएं, और हटने के बाद उस बोरी को जोर जोर से 20 बार फटके, उसको फटके मतलब वो हिलाना बोलते हैं। ठीक है, हिलाएं उसको अच्छे जोर जोर से हिलाएं। ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है। आप देखेंगे 3 दिन में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो भी दुश्मन है उसकी हालत बहुत पतली हो जाएगी, और उसका पूरा जो आत्मविश्वास रहता है आपको दबाने का वो सारा चकनाचूर हो जाएगा, और उसके जो घमंड है वो सब नीचे ज़मीन पे आ जाएगा, उसकी औकात उसको मालूम पड़ जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, बस इतना ही करिए। बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका फल बहुत अच्छा मिला है। बसरते काम है जरूरत से आस्था के साथ करने की। बहुत सारे लोग अविश्वासी होते हैं, जो अविश्वासी होते हैं उनको तो लाभ मिल नहीं रहा। विश्वास के साथ करिए, और कई बार, एक बार नहीं होता 2-3 बार रिपीट करिए तो ज़रूर सफलता मिलती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो एक बार में सफलता नहीं मिलती। संघर्ष आदमी की ज़िंदगी में हर क्षेत्र पर लागू होता है, तो इस क्षेत्र में भी लागू होता है। एक बार में सफलता की उम्मीद नहीं करें, कई बार 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 करने के बाद सफलता मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ लेकर इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें, और जब उनको फ़ायदा होगा तो आपको लाखों लाखों दुआएँ देंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।